शरद यादव जबलपुर में क्या कर रहे थे, जिनको सियासत की जानकारी है वो जानते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट थे, और तभी आप पहली बार जबलपुर से सांसद चुने जाते हैं। कितनी उम्र थी और क्या माहौल था उस वक्त शरद जी? हम 25 साल 1 माह 7 दिन था हमारा जी, हम चुनाव लड़े थे। उस समय जयप्रकाश जी का जो आंदोलन था वो बहुत उरूज पर था। हम जेल में बंद थे 2 बार से मीसा में, एक बार पुलिस विद्रोह में हमको यानी हमारा उसमें कोई दोष नहीं था, जामवंतराव धोटे हमारे साथ थे, तो लखनऊ में हम लोग भाषण कर रहे थे, तो समय हमको भी उन्होंने इसके बाद फिर जो सरदार सरोवर डैम है उसकी हाइट बढ़ाते जा रहे थे लोग, तो नर्मदा के किनारे के आदमी हैं हम, तो वो एक बड़ा आंदोलन हुआ तो उसमें भी है। तो इमरजेंसी के पहले ही हम 7 महीने और 11 महीने बंद रहे, और बंद के दौरान ही दादा धर्माधिकारी वहाँ एक सर्वोदय के बड़े नेता थे, और जयप्रकाश जी के वो बहुत नेक्स्ट मैन थे, अंतरंग आदमी थे। वहाँ सेठ गोविंदा जी का निधन हो गया जो कांस्टेंट असेंबली के मेंबर थे, बड़े नेता कांग्रेस के महाकौशल। हाँ, उनके निधन के बाद वहाँ चुनाव बाई इलेक्शन था जी। उसमें फिर आंदोलन था, कई तरह की राजनीतिक उठक पटक उठा पटक होते रही, कई तरह की चर्चा चलते रही। और फिर हमको पीपल्स कैंडिडेट जयप्रकाश जी ने वहाँ से, हम जेल में ही बंद थे तब बनाया। जेपी के पहले कैंडिडेट थे? हाँ या मैंने 74 की बात है, ये चुनाव ये जो आंदोलन है बहुत मैंने उस समय अपने पीक पर था। तो वहाँ से हम लगभग 1 लाख के करीब वोट से जीते थे, वो कांग्रेस का गढ़ था। और हमारे खिलाफ़ जो चुनाव लड़ रहे थे वो रविमोहन, जो सेठ गोविंदा जी के ग्रैंडसन थे, वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, हम भी थे। अच्छा। वो बाहर चले गए थे पढ़ने के लिए जी, अब्रॉड चले गए थे वो, और हम जेल चले गए थे। तो वो मुकाबला था वो, और पूरे देश भर का जो अपोजिशन है वहाँ सभी लोग आए थे कैंपेन में। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर, दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज़ का ख्याल करो, सबसे पहले इंस्टॉल करो।